भदोही जिले के इकलौते स्थायी शेल्टर होम में दुर्व्यवस्थाओं की भरमार है। स्थिति यह है कि 50 बेड के इस आश्रय गृह में केवल 28 बेड बचे हैं, जिसमें 10 चौकियां नहीं आई हैं। शेल्टर होम के कमरे गंदगी और बिखरे सामान इसकी हकीकत को बयां कर रहे हैं। आश्रय स्थल में चादर और कंबल भी काफी गंदे और बदहाल हैं। जिले में ठंडक ने दस्तक दे दी है। शाम होते ही गुलाबी ठंड लोगों को स्वेटर और फुल बांह की शर्ट पहनने को मजबूर कर रही है। निराश्रित लोगों को ठिठुरती ठंड में खुले आसमान के नीचे न सोना पड़े, इसके लिए निकायों में आश्रय स्थल बनाए जाते हैं। वहीं ज्ञानपुर में जिले का इकलौता 50 बेड का स्थायी शेल्टर होम BNGIC कॉलेज के ठीक सामने संचालित है। करीब 5 साल पहले बने इस पंडित दीनदयाल आश्रय स्थल की देखरेख का जिम्मा नगर पंचायत के ऊपर है। नगर पंचायत ने इसकी देखरेख के लिए कार्यदायी संस्था नामित की है, लेकिन कार्यदायी संस्था की अनदेखी के कारण शेल्टर होम दुर्दशा का शिकार हो रहा है। स्ट्रीट बज न्यूज की टीम ने शेल्टर होम की पड़ताल की, जहाँ शेल्टर होम में केवल 28 बेड मिले। उनमें भी कई ऐसे थे जिन पर ढंग से बिस्तर भी नहीं पड़े थे। शेल्टर होम के कमरों में गंदगी पसरी थी, जैसे लग रहा था कई महीनों से इसकी सफाई नहीं की गई है। इसके अलावा शौचालय और वॉशरूम भी अच्छी तरह से साफ नहीं मिले। ठंड के दस्तक के साथ निराश्रित लोगों को शेल्टर होम की जरूरत पड़ती है, लेकिन बिना चादर और कंबल के किस तरह से लोग रात बिताएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। स्ट्रीट बज के लिए भदोही से नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मेरा नाम सुभाष चंद, मैं शेल्टर होम प्रबंधक ज्ञानपुर हूँ यहाँ से। ठंडी को लेके मेरे यहाँ तैयारी पूरी चल रही है, साफ सफाई हमने उचित करवा दिया है। बेड के लिए थोड़ी सी दिक्कत चल रही है, बेड में 50 बेड मेरे यहाँ क्षमता है, इसमें अभी 28 बेड मेरे यहाँ उपलब्ध हैं। और चद्दर वगैरह सब धुलवा दी गई है, कंबल भी उपलब्ध है पूरे। और आज ही मुझे एक नगर पंचायत ज्ञानपुर से एक लेटर मिला है, 3 दिन के अंदर इस व्यवस्था तुरंत करके मुझे अवगत कराना है। ईओ साहब को अधिकांश लोग राजस्थान और बिहार से आते हैं, जो जेल में कैदी बंद हैं उनसे मिलने के लिए अधिकांश लोग यही आते हैं। ईओ साहब ने कहा है 3 दिन के अंदर हम सुधारने के लिए नोटिस दिए हैं, 3 दिन के अंदर हम कोशिश करके सुधरवा देंगे इसको। मेरे यहाँ रहने की व्यवस्था है, 24 घंटे शेल्टर होम खुला रहता है। यहाँ पानी की व्यवस्था, लेटरिन बाथरूम की स्वच्छ जल व्यवस्था है, रहने की पूरी व्यवस्था उनको दी जाती है। आभा मार्ग की तरफ से आप सभी समस्त देशवासियों को नवरात्र, दशहरा, दीपावली एवं छठ पूजा की हार्दिक बधाई। हमारे आभा मार्ग में इलेक्ट्रॉनिक के सभी सामान उचित दाम पर मिलते हैं। हमारे मार्ग का पता है गोयल गली, ज्ञानपुर, भदोही।